तो गाइस आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। श्वेता तिवारी लगातार सुर्खियां बटोरती रहती है। श्वेता तिवारी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो श्वेता ने उम्र को ही रोक दिया हो। जी हां, उनकी उम्र बढ़ रही है लेकिन उनकी खूबसूरती वैसी की वैसी ही है। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि अब श्वेता तिवारी का छलक गया है दिल, उनकी आंखें हो गई है नम, वो काफी भावुक हो गई है। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपने दर्द को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है कि उनके दिल में कितना दर्द है, वो कितना अकेली और कितना तन्हा महसूस करती हैं। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्वेता तिवारी की दो शादियां पूरी तरीके से टूट चुकी है। श्वेता ने पहली शादी राजा चौधरी से की लेकिन ज्यादा दिनों तक उनकी शादी नहीं टिकी। उनकी राजा चौधरी से एक बेटी है जिसका नाम है पलक तिवारी, जो कि इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली है। वही श्वेता तिवारी की दूसरी शादी अभिनव कोहली से हुई और ये शादी भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। कुछ सालों में ही इस शादी का अंत हो गया। लेकिन श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली का एक बेटा है जिसका नाम है रेहांश कोहली। यहाँ तक कि अब श्वेता ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी बातों को बयां किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इतने उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा है अपनी पर्सनल लाइफ में कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं। लोगों ने उन्हें बहुत ताने मारे। जहां वो मुश्किल दौर से गुजर रही थी तो वही जो लोग थे वो उनका जीना मुश्किल कर रहे थे, ये कहकर कि दो शादियां कर चुकी है, अब तीसरी करेगी क्या। तो उन्होंने अब तीसरी शादी पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला मेरा होगा, मैं ये फैसला किसी और को नहीं लेने दूंगी अपनी जिंदगी का। अगर मुझे कोई सही लगेगा तो मैं शादी कर भी सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है। इतना ही नहीं, श्वेता ने इस इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर बुरे बुरे ताने मारते थे, दो शादियां कर चुकी है, तेरी बेटी तो पांच शादियां करेगी। लेकिन श्वेता ने इस पर कहा है कि मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी मेरी हालत देखकर तो एक भी शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसने देखा है कि उसकी माँ किस दर्द से किस मुश्किल से गुजरी है। ये तमाम बातें श्वेता तिवारी ने अपने इंटरव्यू में अपने दर्द को बयां करते हुए की है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।